भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आज हम बनारस की बदलती तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से बनारस का बेनियाबाग पार्क, जो कभी यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता था, काशी के लोग जानते हैं किस तरीके की स्थिति थी यहाँ पर, यहाँ आना लोगों का दूभर था, आसपास के लोगों को भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था जो लोग रहते हैं, क्योंकि गंदगी का अंबार था। लेकिन अब उस पार्क की हालात को ही पूरा कायाकल्प कर दिया गया। क्या कुछ नहीं है इस पार्क में, फूड जोन है, आप देखिए यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था है, लोगों को संवाद करने के लिए मंच बनाया गया है, और बहुत ही बेहतरीन पार्किंग है नीचे, जो कि 400 से 500 से ज़्यादा 470 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं, फोर व्हीलर वहाँ पे रखी जा सकती हैं, प्लस एक से एक खूबसूरत झूले लगाए गए हैं। माने सारी सुविधाएं एक पार्क में आ गई है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ विरंजन सर हैं, आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। सर बताएं क्या कुछ हुआ है बेनियाबाग पार्क में, कितना कायाकल्प हुआ, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये बेनियाबाग में यहाँ लोकल में सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग की बहुत अत्यंत आवश्यकता थी, पार्किंग की इतनी आवश्यकता था कि लोग पूरा रोड ये ब्लॉक हो जाता था। जितने भी श्रद्धालु आते थे मंदिर के लिए चाहे इसके लिए, सबको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता था। गाड़ी पार्किंग करने के लिए कहीं समुचित व्यवस्था नहीं थी, तो उनके लिए नीचे बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें 470 फोर व्हीलर है, 150 टू व्हीलर का पार्किंग है, और उसके ऊपर एक बढ़िया, जैसा आप देख रहे हैं कि सुंदर सा पार्क का डेवलपमेंट किया गया है, ताकि ये लोग जो सराउंडिंग में लोग रह रहे थे, पहले तो यहाँ से निजात पाने के लिए सब लोग जाते थे, कि चाहते थे, इतनी गंदगी रहती थी और इतनी बदबू आती थी कि लोग खड़े नहीं हो पाते थे। आज आपके सामने ये सारा बदला हुआ मंजर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये जो आपकी ये जो यहाँ पे पानी दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे अगर आम भाषा में कहें? मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे और परिवार के साथ लोग पानी में बोटिंग कर रहे हैं। ये नेचुरल पॉन्ड है, ये हमारा चारों तरफ का जो हार्वेस्टिंग पिट का पानी है ये इसी में आ रहा है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है पूरे एरिया का, और इसमें बोटिंग की व्यवस्था कर दी गई है ताकि लोग इंटरटेन कर सके। और ये नेचुरल पॉन्ड है, इसमें कोई नीचे सरफेस नहीं है, पानी सीपेज होकर नीचे भी जाएगा, मतलब जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल को भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसका डेवलपमेंट किया गया, डिजाइन किया गया। और पर्यावरण की बात हो रही है तो पेड़ पौधे बड़े सलीके से लगाए गए हैं, क्या व्यवस्था है पेड़ पौधों को लेकर, और किस तरह के पेड़ पौधे हैं यहाँ पे? पेड़ पौधे अभी तो इनिशियल में सब पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ 2-3 साल के बाद ये सब ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा, और बहुत बढ़िया लुक, जैसा आप देख रहे हैं जो पहले के पेड़ थे वो तो उसको बढ़िया से अच्छे से रूप दे दिया गया है कटिंग वटिंग करा के, और जब ये सब पेड़ जो नए पेड़ लगाए गए हैं ये लोग भी, ये भी अपने चल रहा है, अपने स्वाब पे है, अभी तो इनिशियल स्टेज में है, जब बात ज़्यादा 2-4 साल के बाद ये सब भी पेड़ का भी अच्छा रूप ले लेगा। यहाँ पे आने की क्या टाइमिंग है लोगों के? यहाँ पे टाइमिंग तो एक्चुअली ये तो दिन भर 10 बजे के बाद है, लेकिन लोगों का भीड़ सबसे ज़्यादा वो 2 से 3 बजे के बीच में शुरू होता है और रात के 9 बजे तक रहती है, और लोग हाँ रात के 9 बजे तक व्यवस्था है, लाइटिंग वाइटिंग का भी पूरा व्यवस्था है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लंच करें, ब्रेकफास्ट के लिए भी व्यवस्था है, फूड कोर्ट बने हुए हैं, 8-8 फूड कोर्ट है उधर भी है, तो कुछ इस तरह की यहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है, और उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? ये एक्चुअली सब अलग अलग वेंडर को दे दिया गया है, ये लोग अपना ऑपरेट करते हैं, तो इसमें के प्योर वेज का आइटम रखा गया है, ये इनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कोई नॉन वेज यहाँ नहीं मिलेगा जी, यहाँ पे नॉन वेज की व्यवस्था नहीं है, एकदम वेज है, बैन है जी, रिस्ट्रिक्टली बैन है। और कितने बनाए गए हैं फूड कोर्ट? 8 हैं जी जी, तो ये व्यवस्था की गई है इस पार्क में। आप हम विरंजन सर से बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ है जानने के लिए, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, हम चलते हैं कुछ और देखने के लिए। पहले यहाँ अखाड़ा था, यहाँ पे बिस्मिल्लाह का बैठ के रियाज किया करते थे, यहीं पे रियाज करते थे, यहाँ पे बाकी जगह शांति रहती थी, ये अपने उनका घर शायद यहीं पे सामने में, लेकिन रियाज यहीं करते थे बिस्मिल्लाह का। हड़ा सराय
जी हरा सराय यही है, तो यही वो उनका मोस्टली टाइम यही बीतता था। तो क्या भविष्य में उनको, क्योंकि आपको हमें बताना पड़ रहा है कि बिस्मिल्ला खान से यादें जुड़ी हैं, उसके लिए भी कुछ प्लान होगा? नहीं, उसके लिए तो प्लान है, अब देखिए ये हमारे PRO हैं स्मार्ट सिटी के, वो लोग कर रहे हैं अपना जो भी करना है, क्योंकि हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इस जगह को प्रिजर्व करके रखिए, जैसे था वैसे ही बना के रखिए, क्योंकि ये उनकी यादों से जुड़ी हुई है। तो ये बिस्मिल्ला खान, देखिए यहाँ पे अखाड़ा का शक्ल था, इसको बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बिस्मिल्ला खान साहब रियाज करते थे, भारत रत्न बिस्मिल्ला खान, जिन्हें दुनिया जानती है, शहनाई की गूंज हर घरों में सुनाई देती है जब शादी विवाह या मांगलिक कार्यक्रम होता है। और कुछ आप बता रहे हैं पार्क है। और जैसे ये वेल था, ये पुराना वेल है, बहुत एक ये पुराना कुआं है, इसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है, इसको बंद नहीं किया गया, हम लोगों ने इसको प्रिजर्व करके रखा है, क्योंकि ये आजकल तो कुआं कहीं दिखता नहीं है, कम से कम यही पार्क में आके लोग कुआं देख लें, कम से कम देखे, न्यू जनरेशन को पता तो चले पानी कैसे नीचे रहता, कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। ये सामने कुआं है जिसको जो यादें हैं, हालांकि उसे ढका गया है सुरक्षा के हिसाब से, लेकिन जो बच्चे आए कम से कम अब समझ सकें कि कुआं क्या होता है। जी बहुत पुराना है, जी बहुत पुराना है। आगे ये गांधी चौरा है, ये गांधी चौरा बना हुआ है, यहाँ गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी। किस जगह पे? ये आगे। अच्छा, यहाँ आगे गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी। आ रहे हैं कि गांधी चौरा है और इस पर लिखा है कि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का पुनीत भस्म कलश 19 फरवरी सन 1948 को रात 8 बजे सार्वजनिक पूजन और दर्शन के लिए यहाँ रखा गया था, और दूसरे दिन प्रातःकाल 8 बजे श्री रघुनाथ सिंह उसे पौर गगीर राजकीय एवं सैनिक सम्मान के साथ प्रभाग के लिए हरिश्चंद्र शमशान घाट ले गए थे। यानी यहाँ पे उनकी जो अस्थि थी गांधी जी की, वो रखी गई थी, इसलिए ये गांधी चौरा है, और इसको भी एक शक्ल दे दिया गया ताकि लोग बापू को याद कर सकें। और ये अपना फुटबॉल ग्राउंड है, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, लोग बच्चे खेलते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे फुटबॉल खेल लिया, ये ग्राउंड बनाया गया है बच्चों को खेलने के लिए। जी पहले वो व्यवस्था नहीं थी, अब देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी जी, पहले था लेकिन कोई रेगुलर मतलब ये नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था, अब तो सब डिमार्केशन के साथ सब पूरा लग गया है। उधर देखिए वो स्केटिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बच्चे वहाँ पर स्केटिंग करते हैं। आइए आगे, बच्चों की स्केटिंग की व्यवस्था है वहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यहाँ पे बच्चे स्केटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी लोग आते हैं यहीं पे एक उनको जगह दे दिया गया है ताकि अपना स्केटिंग के लिए यहाँ प्रैक्टिस करें। अद्भुत है, माने बच्चों की स्केटिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। गांधी का भी आप दर्शन कर लो, बिस्मिल्ला खां को भी समझ लो, और इधर सेहत सही रखने के लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था है, ओपन जिम एरिया है, यहाँ छोटे से बड़े सब लोग अपना एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में निशुल्क प्रवेश है, 6 बजे से 10 बजे तक निशुल्क प्रवेश है, लोग आते हैं अपना स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक है अपना व्यायाम करते हैं, और ये दिन भर सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पे ओपन जिम है जिसमें कोई भी आकर बच्चे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं जी। उधर योग की व्यवस्था भी जी, योगा शेल्टर भी बनाया हुआ है उधर भी योग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, योग हाँ लोग आते हैं, सुबह तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, काशी में इतनी जगह है भी नहीं ना। शहीद पार्क एक है वहाँ पे बीच में, इतना कंजेस्टेड एरिया में ये पार्क इन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, वरदान साबित हो रहा है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो आसपास के लोग, खुली हवा में कम से कम सांस लेने की व्यवस्था की गई है। तो हम बेनियाबाग में हैं और यहाँ की पार्क की व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है जो काशीवासियों को चाहिए, और एक मिसाल है यहाँ का व्यवस्था, और हमें बता रहे हैं सर यहाँ पे तमाम तरह के झूले दिख रहे हैं जी। वो झूले क्या क्या हैं? पार्क क्या? में विशेषकर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं अभी ये और झूले का कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी और कितने झूले लगेंगे ये अभी कोई फिक्सेशन हुआ नहीं है। तो कितने झूले हैं अभी? तो 10-15 झूले हैं सब मिला के, और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी की व्यवस्था है, जो टॉय ट्रेन को देख के बच्चे तो बहुत उत्साहित होते हैं, उस पर बैठने की इच्छा करते हैं और बैठते हैं और घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है झूले की व्यवस्था आप सर बता रहे हैं, इसके बाद हम पार्किंग को देखेंगे और पार्किंग के लिए चलते हैं। तो बेनियाबाग पार्किंग के हम अंडरग्राउंड पोर्शन में आ चुके हैं, जहाँ पर
पार्किंग है ऊपर, तो आपने देखा कि बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और बहुत हाईटेक व्यवस्था है जो बनारस में एक नया प्रयोग है बनारस के लोगों के लिए। सर यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है, हम इस समय नीचे हैं, कितनी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, क्या व्यवस्था है? 470 फोर व्हीलर की व्यवस्था है और 150 टू व्हीलर के लिए व्यवस्था है। कहाँ कहाँ लोग दूर दूर से आते हैं? अब तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए आते हैं, बनारस घूमने आते हैं, उनके लिए इंटरटेनमेंट का साधन भी है। गाड़ी पार्क किया, ऊपर पार्क में भी अपना घूम लिए, समझ लिए, अपनी थकान मिटा लिए, सब तरह से व्यवस्था है। उनके मनोरंजन के लिए बोटिंग का भी व्यवस्था है, झूले लगे हुए हैं तरह तरह के उनके। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो तीर्थयात्री आते हैं बाहर से, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, गंगा में स्नान कर लेते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके जाते हैं, आने के बाद वो ऊपर इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो आप बता रहे हैं, और ये एक अनूठा प्रयोग है जी। और यहाँ पार्किंग में दो लिफ्ट की भी व्यवस्था है, वो लिफ्ट लगा हुआ है, लोग अपना इधर से ऊपर भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, सीधे गाड़ी लगाया लिफ्ट से ऊपर पार्क में चले जाए, लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। आप देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, लग रही हैं, तो यहाँ पर एक अनूठा प्रयोग है बनारस में। और मैंने पहले भी बेनियाबाग पार्किंग दिखाई थी, लेकिन उस समय ऊपर की व्यवस्था पूरी नहीं थी, तो यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, ऊपर सारी व्यवस्थाएं हैं, आराम कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं, फिर अपनी जगहों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आप जितेंद्र कुमार जी हैं, यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उसके इंजीनियर हैं जी, क्या व्यवस्थाएँ आप देखते हैं सर, और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए फायर फाइटिंग के सिस्टम लगे हुए हैं कि कहीं भी आग लगे तो अपना गाड़ियाँ जो हैं पार्किंग है तो वहाँ पे जो है पानी का तुरंत ही वो हो जाए कि गाड़ियों में जले ना। दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर फायर इन किस फायर आती है तो डक्टेबल एसी लगी हुई है, हम धुआं हुआ तो उसको बाहर निकाल सकते हैं उसको, तो ये व्यवस्था है सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था है जो जितेंद्र जी बता रहे हैं। तो बेनियाबाग पार्किंग के अंडरग्राउंड पोर्शन में हम हैं, पार्किंग जो है वहाँ पे हैं, और हमारे साथ हसन जी हैं, आप दरभंगा से आते हैं आपने बताया था जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जो लोग बिहार से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं बनारस में, पार्किंग की इतनी अच्छी खूबसूरत व्यवस्था है जी? वो जैसे मैंने कई लोगों से बात किया था, उन्होंने अभी यहाँ जो पार्किंग है वो मोदी जी के कार्यकाल में बनाया गया है, और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी भी दी गई है, और सारी चीज़ों को फायर फाइटिंग के अलावा डक्ट वगैरह, एयर कूलिंग, एयर कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें दी गई है। और जब यहाँ जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनको एक अनबिलीवेबल ऐसा लगता है कि ये बिलीव ही नहीं होता कि इतनी अच्छी पार्किंग है जो लोगों को फैसिलिटी दे रहा है, और उसमें बिल्कुल सेफली उनकी गाड़ी रहती है, फिर वो जहाँ जाते हैं दर्शन करते हैं फिर वापस आते हैं तो वो सेफली यहाँ से जाते हैं। तो आपने बताया किस तरीके से खुद को सुरक्षित लोग महसूस करते हैं कि एक छत के नीचे, कहते हैं कहावत है एक छत के नीचे सब कुछ का मिल जाना, गाड़ी पार्क करिए, शहर घूमिए, अपनी व्यवस्थाएं कीजिए, बाज़ार जाना है बाज़ार जाइए, क्योंकि बनारस का मार्केट ही बहुत अच्छा है, एक से एक साड़ियाँ मिलती हैं और एक से एक सामान मिलते हैं, काशी में लोग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी यहाँ आते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को कीजिए फिर वापस जाइए। हसन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो भारत की तस्वीर में हम बनारस की बदलती तस्वीर दिखा रहे थे, और राजनारायण पार्क में थे, क्या कुछ नहीं है इस पार्क में, यहाँ के जो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी हैं वो बता रहे थे बहुत कुछ है इस पार्क में, और किस तरीके से यहाँ कायाकल्प कर दिया गया है कि लोग यहाँ पर, एक पार्किंग है नीचे जिसमें 400 से 500 गाड़ियाँ हो सकती हैं, तो अंडरग्राउंड पार्किंग है यहाँ पर जहाँ पर दूर दूसरे राज्यों से या कहीं बाहर से आए हुए लोग गाड़ियाँ पार्क करके बनारस का भ्रमण कर सकते हैं, और पार्क के ऊपर खेलने की व्यवस्था है, जिम है, सारी व्यवस्था है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, सारी हाईटेक व्यवस्था बनारस के इस राजनारायण पार्क में किया गया है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।